जय हिंद। हेल्थ रक्षा से मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूं और आज के इस वीडियो में मैं सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी जानकारी देने वाली हूं। इस योजना की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की थी। बाकी छोटी बड़ी बचत योजनाओं को देखें तो इस दर पर रिटर्न नहीं मिलता, वह भी 250 रुपये जैसी छोटी सी जमा पर। साल में 250 रुपये की जमा रखी गई है जो कि न्यूनतम है, यानी इस खाते में कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हैं तथा इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा करने वाले पिता को सरकार की तरफ से टैक्स छूट का लाभ भी दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एक तरफ बेटी का भविष्य सुरक्षित है तो दूसरी ओर बाप को बचत करने की सुविधा मिलती है। इसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी बेटी की उम्र अभी 5 साल की है और आपको सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाना है। अगर आप हर महीने उसके खाते में 5,000 रुपये जमा करें तो साल में 60,000 रुपये जुट जाएंगे। अगर खाता 2021 में खोला है तो 21 साल बाद यानी कि 2041 में परिपक्व होगा और बेटी के नाम जमा पैसे आप निकाल सकते हैं। पैसा मैच्योरिटी से पहले भी निकालने की सुविधा मिलती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अच्छा रहेगा कि आप खाता मैच्योर होने के बाद ही पैसा निकालें, इससे पूरा ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जुड़कर मिलता है। 7.6% का हिसाब लगाएं तो आपकी बेटी को 2041 में 25,46,065 रुपये मिलेंगे। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि पूरे 21 साल पैसे जमा नहीं करने होते, बल्कि सिर्फ 15 साल तक पैसे भर सकते हैं। इतने साल तक आपको 9 लाख रुपए जमा करने होंगे। अगर आप 60,000 हर साल जमा करते हो तो आप चाहो तो इससे अधिक भी जमा कर सकते हो, यानी कि प्रत्येक वर्ष आप 1.5 लाख तक की राशि जमा कर सकते हो। अगर आप 15 साल तक साल में 60,000 जमा करते हो 5,000 पर मंथ के हिसाब से, तो आपकी राशि बनती है 9 लाख की और 9 लाख की राशि पर आपको 16,46,062 रुपये का ब्याज मिलता है। इस तरह बेटी के नाम 21 साल में आसानी से 25 लाख से अधिक रुपये जुट जाते हैं। यह पैसा उच्च शिक्षा या शादी के लिए खर्च किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच के अधिकृत शाखा में खुलवाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते का संचालन बेटी की आयु 21 वर्ष की होने या फिर 18 वर्ष की आयु के बाद शादी होने तक किया जा सकता है। बेटी की उच्च शिक्षा के लिए 18 वर्ष की आयु के बाद 50% की रकम की निकासी की जा सकती है। पहले पैसा जमा करने हेतु भारतीय डाकघर जाना पड़ता था, बट अब भारतीय डाकघर द्वारा डिजिटल अकाउंट लॉन्च किया गया है। इस डिजिटल अकाउंट के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में पैसे जमा किए जाएंगे। अब पोस्ट ऑफिस में भी अन्य बैंकों की तरह डिजिटल सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की गई है। इस डिजिटल अकाउंट की वजह से अब खाता धारकों को खाते में पैसा जमा करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस डिजिटल अकाउंट को खोलने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट को आधार कार्ड तथा पैन कार्ड के माध्यम से घर बैठे भी खोला जा सकता है। अब देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितनी बेटियों को लाभ मिल सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना 2022 के अंतर्गत केवल एक परिवार की 2 बेटियों को ही लाभ मिल सकता है। यदि एक परिवार में 2 से अधिक बेटियाँ हैं तो इस योजना का लाभ केवल 2 बेटियाँ ही ले सकेंगी। यदि दूसरी बेटी जुड़वा है तो ऐसी परिस्थिति में 3 बेटियों को इसका लाभ मिल सकेगा। जुड़वा बेटियों की गिनती एक ही होगी, मगर उसका लाभ उनको अलग अलग दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वह सभी लोग अपनी बेटी का खाता खोल सकते हैं जो अपनी बेटी की शादी तथा पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत 10 साल से कम आयु की कन्याओं का खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना को सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं के अंतर्गत आरंभ किया गया है। अब सुकन्या समृद्धि योजना में किए गए बदलाव पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर अधिक ब्याज दर। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सुकन्या समृद्धि अकाउंट में न्यूनतम 250 रुपये की धनराशि एक वर्ष में नहीं जमा करता तो उसे डिफ़ॉल्ट अकाउंट माना जाएगा।
सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित नए नियम के मुताबिक अब ऐसे डिफॉल्ट अकाउंट में जमा रकम पर वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो इस योजना के तहत तय किया गया था। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के खाते पर 8.7% तो पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर 4% का ब्याज दर मिलेगा। दूसरा है प्री मेच्योर अकाउंट क्लोज करने के नियम में बदलाव। इस नियम के अनुसार इस योजना के अंतर्गत बच्चे की मौत या सहानुभूति के आधार पर अकाउंट को परिपक्वता अवधि से पहले बंद किया जा सकता है। सहानुभूति का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें अकाउंट होल्डर को जानलेवा बीमारी का इलाज कराना हो या अभिभावक की मौत हो गई हो, ऐसी स्थिति में बैंक अकाउंट को परिपक्वता अवधि से पहले बंद कर सकते हैं। अगला है अकाउंट का संचालन। इस योजना के तहत सरकार के नए नियमों के अनुसार जिस बच्ची के नाम से अकाउंट है वह व्यक्ति जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक अपने खाते का संचालन अपने हाथ में नहीं ले सकती, जबकि पहले यह आयु 10 साल थी। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और विवाह योग्य होने पर पैसों की कमी न आने देना है। देश के गरीब लोग बचत खाते में अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी में होने वाले खर्च को आसानी से पूरा कर सकते हैं और अपनी बेटी का खाता न्यूनतम 250 रुपये से बैंक में खुलवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत देश की लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वह आगे बढ़ पाएंगी, साथ ही साथ लड़कियों की भ्रूण हत्या को भी रोकना संभव हो सकेगा। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय भारती।